एक नाव की चाल एक नाव की चाल, ये स्पीड है भाई, चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि अगर मैं बात करूं धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? जल्दी से बताओ भाई मुझे इसका राइट आंसर, क्योंकि है ना, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा अपना, टाइम भी बच जाएगा और चीजें भी ज्यादा हो जाएंगी। इज इट क्लियर भाई? बहुत बढ़िया भाई। अनु आज क्लास होगी बच्चे 9:30 बजे तक होगी, मैक्सिमम 9:30 बजे तक लास्ट है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि बेसिक तो आपको आ चुका है। देखो इससे है ना एक क्वेश्चन पक्का बनता है भाई बच्चों, और है ना वो गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इजी भी बहुत होता है, वो इजी भी बहुत होता है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। अगर बात की जाए नाव की चाल, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 12, अब डाउन स्ट्रीम निकालनी है, डाउन मैं डी से डिनोट कर रहा हूं भाई, 12 जमा में 8 कितनी होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर अप स्ट्रीम निकालनी हो तो 12 में से 8 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।